ज़्यादा ना देखे। क्या नाम ठीक है? वो मेरा फैमिली है। हाँ वो क्या नाम वो देखे सिनेमा एंड रेस्टोरेंट टी स्क्वायर माइनस रेस्टोरेंट। गाइस हम पहुंच गए यहाँ, दूसरा जगह से आए थे हम लोग। वो रेस्टोरेंट हॉस्टल हो चुके हैं, गदर दे रहे हैं अभी तो 1 बजे वाला शुरू हो गया, हम थोड़ा लेट हो गया तो हम क्या करेंगे, 5 बजे वाला कटेगा। ओ माय गॉड देगा ले 5 बजे को, 5 बजे वाला देख लेगा। सबसे बेस्ट कौन सा होगा? बॉक्स में है बेल्कनी बॉक्स अलग से टच होगा पर पर टिकट है तो हम दोनों को एक टिकट मिल गया 800 एक टिकट का 400 है गोल्ड प्लस वाला हम सीट बुकिंग किया आज तो हम लोग 5 बजे को आना पड़ेगा। अभी हम लोग गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं, टिकट तो मिल गया अभी हम दोनों पर घूम के आते हैं। इससे फोटो खींचने के लिए वो अंदर वो है केबिन है बैठ सकते केबिन है ना केबिन है। इसका होता है वाह ये तो दिख रहे थे अमेरिकन स्टाइल में बनाया था जापानी स्टाइल उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरह काल्पनिक है। हरे शंभु तू ब्रह्मा तू विष्णु मेरा भैया है साथ में हम लोग केवल क्या था टाटा स्कैन लगाने आता ना जॉन। क्या नाम क्या बोलेगा तो रंबो तुमको कैसा लगा मूवी? ठीक था, एक्सपेक्ट कितने तो नहीं है लेकिन क्या करेगा ठीक था वही बोले इतना एक्सपेक्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन तो गाइस ओएमजी मूवी अभी हम लोग देख के हम लोग आ गया तो अभी मेरा रिव्यू वही होगा कि हम जो सोचा था ओएमजी पर भगवान भगवान के बारे में ऐसा तो है लेकिन मैक्सिमम स्टोरी क्या है बोलने से ये बेसिस जो स्टोरी बेसिस जो एक्चुअली उसके बारे में सेक्स के बारे में था कि मास्टरबेशन ये सब गलत है या सही है सेक्स एजुकेशन को क्यों खुल के नहीं बोला जाता है मतलब वो सब चीज़ मतलब स्टोरी में ज़्यादा मूवी में ये सब दिखाया गया कि मतलब एक बच्चा है वो मास्टरबेशन करते हैं मतलब तो उसका पूरा फैमिली में मतलब इफेक्ट हो जाते हैं कि वो स्कूल में बदनाम किया करके तो ऐसे करके मतलब उसके ही बारे में पूरा केस लड़ रहा होता है मतलब कोर्ट में वही इसके बारे में झगड़ा कर रहा होता है तो उसमें अक्षय कुमार का एंट्री होता है। अक्षय कुमार वही भगवान बन के हेल्प करते वो जो परिवार था जो जिसका मतलब सोसाइटी में मतलब वो बच्चा का मतलब पूरा बदनाम हो जाता है ना ये मास्टरबेशन कर दिया और इसका पूरा कॉलेज रिपुटेशन खराब हो जाता है तो उसको भी बचाने के लिए अक्षय कुमार आता है तो वही एक मूवी तो रहे क्या बोलेगा मतलब फैमिली के साथ देखने के लिए थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लगेगा मतलब ना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा तो हम वही बोलेगा कि आप लोग मूवी बहुत बढ़िया है मूवी तो बढ़िया है स्टोरी बेस्ड मतलब यंगस्टर लुक ले जो यूथ्स लुक ले बहुत अच्छा है मूवी है कि सेक्स को भी मतलब एक सब्जेक्ट देना चाहिए मतलब उसको हम लोग खुल के बोलना चाहिए। मूवी इज़ गुड लेकिन फैमिली के लिए नहीं होगा मेरा हिसाब से वही फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं होगा तो गदर टू को तो हम नहीं देख पाया हम गदर टू देखने आया था लेकिन ओएमजी देख लिया लेकिन वो भी पैसा वसूल वाला ही है ऑलमोस्ट
ठीक ठाक ही था। तो गाइस अभी हम लोग जाएगा, कितना बजे टाइम लगेगा? तो हम लोग आया था 5 बजे और अभी जा रहा है 7:50 हो गया। तो अभी हम लोग निकलेगा तो रात भी हो गया, देख देख सकते हैं। जो प्राइवेसी चीज होते हैं ना गाइस, ये मूवी में बिल्कुल नहीं था। ये मूवी में खुला खुली बात हुआ, जो प्राइवेसी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो सब के बारे में खुला खुली से बात दिखाया गया। मतलब आप दोस्त के साथ जाइए, गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, अकेले जाइए, लेकिन फैमिली के साथ मत जाओ। थिएटर के बारे में बताने का रहा था आपको कि थिएटर का स्पेस कैसा था। तो जब आदमी यहाँ से गुजरता है तो उसमें थोड़ा सा हमको मतलब अच्छा नहीं लगा कि आदमी छू के जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कमियाँ है। एंड सीट जो सीट है जिसका कंफर्टेबल तो ठीक है, जो गोल्ड प्लस का, हम सिर्फ गोल्ड प्लस का बता क्योंकि मैंने गोल्ड प्लस लिया था। और उसका नेक्स्ट वाला जो उसका तो पता नहीं, जो गोल्ड वाला और सिल्वर वाला उन लोगों का तो पता नहीं, उन लोगों का कम्फर्टेबल तहाना नहीं था। लेकिन मेरा जो गोल्ड प्लस था उसका स्पॉन्जी जो बहुत अच्छा था। तो थिएटर इतना बड़ा भी नहीं है, जो हम थानागन का जो थिएटर देखा है फैंटालून का, जो उसमें एक थिएटर था उसको देखा है, वो तो बहुत लग्जरी था। डूडल की तरह ही है जीरो का भी, लेकिन जो डूडल से तो छोटा है, उसमें डूडल में तो बहुत सारा आदमी घुस जाता है, लेकिन हापुली का वाला में जीरो का वाला में थोड़ा कमती ही घुसता है आदमी। वो थानागन नाहरलगुन का जितना भी हम थिएटर में देखा उसका जैसा जीरो का जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जीरो का बहुत ही सुंदर है, आपको नज़ारा देख सकते हैं, आपका रेस्टोरेंट का उधर से बालकनी है, उसमें व्यू पॉइंट है, सामने में रेस्टोरेंट है, मतलब बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में बहुत सुंदर से बनाया वाला। डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया। एंड और एक चीज़, एक खामियाँ देखा मैंने, इंटरवल होता है जब पॉपकॉर्न खाने, ब्रेक टाइम होता है, तो पॉपकॉर्न खाने के लिए हम लोग जब सब जाते हैं लेने, खरीदने जाते हैं, तो उसमें ऐसा लंबा चौड़ा लाइन होगा और सर्विसिंग बहुत ही डिले है, काम फिर इतना डिले हो रहा है। हम भी खुद से जाके देखा तो उसमें देखा कि एंट्री करते हैं वो लोग, क्या ले रहे हैं, पॉपकॉर्न ले रहे हैं, पेप्सी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, उसको पूरा एंट्री करते हैं, उसको प्राइस देकर इसके बाद जाके ये पैसा वो करता है। तो ये एंट्री करने का क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें इतना डिले हो रहा है और छोटा ही पॉपकॉर्न वाला, जहाँ एक ही सर्विस करते हैं, एक आदमी वो एंट्री कर रहा है और साइड में एक लड़की होता है वो सर्व कर रहा है। तो ऐसे करने से इतना ज़्यादा कस्टमर आएगा तो बहुत डिले हो जाएगा। और कितना आदमी का कुछ कुछ सीन तो हम देख नहीं पाया, हाफ ब्रेक के बाद वॉशरूम जाके हम भी पॉपकॉर्न लेने के लिए लाइन करा के, तो उसमें इतना डिले हो गया। मतलब तो हम देखा है कि उधर कागज में एक बुक कॉपी लेके एंट्री मार रहा, हम बोला कि पॉपकॉर्न दो और एक मिनरल वाटर दो, हम वही मांगता। तो वो बोल रहा कि एंट्री करना पड़ेगा। अरे क्या एंट्री हमको पता नहीं, लेकिन उधर एंट्री करना पड़ता है बोला है। तो हम बोला कि इतना डिले आप लोग ऐसा क्यों होता है बोला है। तो हम लोग सर्विस ऐसा ऐसे ऐसा कुछ बोल रहा था। तो वो चीज़ में हमको थोड़ा सा कमियाँ लगा कि ये सबको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ठीक कर दीजिए। अदरवाइज थिएटर इज़ वेरी नाइस, सिनेमा हॉल बहुत बढ़िया है एंड बहुत सुंदर है। मेन चीज़ तो बताएगा, सिनेमा हॉल का खासियत तो बहुत सुंदर है। और मूवी के बारे में तो बता दिया मैंने, गदर तो देखने गया था पर देख के आ गया OMG। ठीक गाइस, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं कुछ अगले ब्लॉग्स पे। तो कुछ दिन और तरह बैठेगा यहाँ में जीरो में, तो आप लोग को यहाँ में जीरो के कुछ कुछ और चीज़ बना सकते हैं, तो ब्लॉग्स मैं देखता हूँ। टिल देन गुड बाय।